इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, समुद्र मंथन और उससे निकले अमृत कलश की बातें ना जाने हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते हैं, सच नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया में एक ऐसा मंदिर है जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी वो अमृत कलश मौजूद है जो समुद्र मंथन से निकला था। इस मंदिर का नाम कंडी सुकुह है, जो मध्य और पूर्वी जावा प्रांतों की सीमा पर माउंट लाऊ के पश्चिमी ढलान पर स्थित है। और इस प्राचीन मंदिर में एक ऐसा कलश मौजूद है जिसमें एक द्रव्य हजारों सालों से मौजूद है। माना जाता है कि ये अमृत है जो अभी तक सूखा नहीं है। दरअसल साल 2016 में इंडोनेशिया की पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर की मरम्मत का काम चल रहा था और तभी विशेषज्ञों को मंदिर की दीवार के नींव से एक तांबे का कलश मिला जिसके ऊपर एक पारदर्शी शिवलिंग स्थापित था और कलश के भीतर कोई द्रव्य भरा हुआ था। शोध में पता चला कि तांबे के उस कलश को इस तरह से जोड़ा गया था कि उसे कोई खोल ना सके। एक और बात जो सबसे हैरान करने वाली थी और वो ये कि जिस दीवार के नींव से वो कलश मिला था उस पर समुद्र मंथन की नक्काशी थी और महाभारत के आदि पर्व का वर्णन भी किया हुआ था। ऐसा माना जाता है कि तांबे का वो कलश 1000 ईसासन पूर्व का है जबकि मंदिर 1437 ईसासन पूर्व के आसपास बनाया गया था। इस काल में मलेशिया पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र हुआ करता था लेकिन 15वीं सदी में जब इंडोनेशिया में इस्लाम का वर्चस्व हुआ तो इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और माना जाता है कि उसी समय तांबे के उस कलश को इस मंदिर में छुपा लिया गया था। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।